हेलो है, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आप सबका रॉयल एस आई अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ आपके टाइम को सेव करने के ख्याल से न्यूज आर्टिकल्स को, जो आपके यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए हेल्पफुल होते हैं, एनालाइज किया जाता है डेप्थ में। द वेरी फर्स्ट आर्टिकल जो आज के लिए दिख रहा है वो है, फार्मर्स इन ईस्ट सी लिटल होप इन अस्टेट। ईस्ट अस्टेट जो है कंट्रीज में, उन्होंने प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट जो हर साल होता है क्रॉप्स का, ग्रेन का, उसमें बहुत ही डिस होपफुल बातें की गई है। कुछ डाटा जो यहाँ से इम्पोर्टेंट हैं वो हम ध्यान दे लें। प्रोक्योरमेंट में सबसे ज़्यादा पंजाब का शेयर है, वो है 27% का। ये फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात हो रही है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में सबसे ज़्यादा जो शेयर है प्रोक्योरमेंट में वो है पंजाब का, और ये 27% है। यूपी का 17% है। एज ट्री का आप याद रख सकते हैं, यूपी मैंने इसलिए बोला क्योंकि यूपी पीसीएस के लिए यूपी का शेयर इम्पोर्टेंट है। ओवरऑल जब बात की जाती है प्रोक्योरमेंट की, तो प्रोडक्शन भी कहीं ना कहीं मायने रखता है। और अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, वीट प्रोडक्शन या पैडी प्रोडक्शन की, तो पैडी प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो है वेस्ट बंगाल का। आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल का प्रोडक्शन है 15881, जबकि उत्तर प्रदेश सेकंड पोजीशन पर है। जनरली हमें ऐसा लगता है, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि पैडी प्रोडक्शन और व्हीट प्रोडक्शन में यूपी नंबर वन है। ऐसा नहीं है, यूपी नंबर टू पर है व्हीट प्रोडक्ट, ये पैडी प्रोडक्शन में एज पर लेटेस्ट करेंट ईयर, और वेस्ट बंगाल नंबर वन पर है। स्टेट पीसीएस के बहुत फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, यूपीएससी में भी पूछा जाता है जब पैडी प्रोडक्शन या क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो सिमिलरली अगर बात की जाए व्हीट प्रोडक्शन की, तो नंबर वन पर पंजाब है, नंबर टू पर एमपी है, नंबर थर्ड पे हरियाणा है, और नंबर फोर पे यूपी है। व्हीट प्रोडक्शन में नंबर फोर पर यूपी है, जबकि राइस प्रोडक्शन में नंबर टू पर यूपी है। तो कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है कि प्रोडक्शन एज पर स्टेट रैंकिंग कंट्री में किसका सबसे ज़्यादा है। कुछ और बातें जो प्रोक्योरमेंट से लेकर के है, एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक नोडल एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो फूड प्रोक्योर करती है, और सरप्लस अगर हो जाता है तो वो भी ये प्रोक्योर करती है। कुछ और चीज़ें हैं लाइक एमएसपी। सबसे पहले जब एमएसपी लाया गया था वो 70s का टाइम था, ये 66 के आसपास लाया गया था, आफ्टर चाइना के साथ वार हुआ उसके बाद। एमएसपी अगर प्राइवेट कंपनीज खरीदती है तो जरूरी नहीं है कि वो एमएसपी पे खरीदे। ये दो तीन बातें ध्यान रखने वाली है। अगर ऑप्शन आ जाए कि एमएसपी जरूरी है, मान लीजिए कोई कंपनी ये है किसी किसान से खरीदता है, तो जरूरी नहीं है कि वो एमएसपी पे खरीदे। एमएसपी मैंडेटरी नहीं है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और एफसीआई गवर्नमेंट ऑन्ड एजेंसी है। आगे कुछ और आर्टिकल्स हैं आज के न्यूज में, लाइक उड़ीसा ने कहा है सेंटर से परमिशन मांगा है कि प्रोक्योर करने के लिए उसे दिया जाए, परमिशन दिया जाए। मे बी सरप्लस हुआ होगा उड़ीसा के पास। चलते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। आज का एक टर्म है लॉक, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक्चुअली हम जितना कहें, जितना हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में सोचेंगे उतना कम है, जितना डिटेल में पढ़ेंगे उतना कम है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल टोटल तीन पार्ट में डिवाइडेड है। इसके तीन पार्ट हैं। एक पार्ट जो मैकमोहन लाइन के अराउंड है, उसके पैरेलल है अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल का वो एरिया बार बार कंटेंशन का पॉइंट बनता है इंडिया चाइना के बीच में। जो LAC का दूसरा पार्ट है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और चाइनीज ऑक्यूपाइड तिब्बतियन रीजन के बीच में है, और जो LAC का तीसरा पार्ट है वो है लद्दाख में।
जहां अक्साई चीन और लद्दाख के बीच में ये चीजें मेंशन है। एक्चुअली एलएसी बहुत सारे इसके पॉइंट्स हैं जिसे हम कंटेंशन पॉइंट ऑफ कंटेंशन कह सकते हैं। जैसे आप काराकोरम पास की बात कर लीजिए, दिसपांग प्लेन की बात कर लीजिए, गालवान वैली की बात कर लीजिए और पैगोंगसो की बात कर लीजिए। पैगोंगसो जो कि लेक है, वहां पर एक आइलैंड भी है, वर्ल्ड आइलेट, बहुत कम लोगों को ये पता है, पेपर में आ चुका है पहले भी। तो एलएसी जब पढ़ें तो पूरा डिटेल में पढ़ें, मैकमोहन लाइन को भी इंक्लूड करें उसमें, जिसे चाइना नहीं मानता है, क्योंकि ये मैकमोहन लाइन 1915 ये शिमला समझौता के टाइम पे ड्रॉ किया गया था। तो चाइना का कहना है कि तिब्बत ने ड्रॉ किया था और तिब्बत ऑटोनोमस रीजन नहीं है, इसलिए उसकी बात हम नहीं मानेंगे। अक्सर जो एलएसी को लेकर के और चाइना इंडिया के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होते हैं वो यही चार पॉइंट के बीच में होते हैं। मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ, एक तो है काराकोरम, दूसरा है आपका दिसपांग प्लेन। दिसपांग प्लेन 2020 में भी ये मुद्दा रहा है। काराकोरम लद्दाख के नॉर्थ पार्ट में है, गालवान वैली, ये गलवान वैली भी एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है और ये अक्साई चीन के आसपास पड़ता है। गलवान रिवर भी है एक्चुअली, जो सहयोग का ट्रिब्यूटरी है और सहयोग इंडस का ट्रिब्यूटरी है। एंड फाइनली पैगोंगसो, ये जो लेक है जहां पर एक वर्ल्ड सेंचुरी है जिसे वर्ल्ड आइलेट के नाम से जाना जाता है, ये एक एक्चुअली आइलैंड है। तो ये चार चीजें हैं एलएसी से रिलेटेड, ये चार पॉइंट ऑफ कंटेंशन है और एलएसी तीन पार्ट में है। डिटेल में जरूर पढ़ें इस चीज को। मैकमोहन लाइन एलएसी का पार्ट नहीं है, मैकमोहन लाइन अपने आप में एक बाउंड्री है जो शिमला समझौता के तहत ड्रॉ किया गया था, जबकि एलएसी का कंसेप्ट 1962 में आया है इंडो चाइना वार के टाइम पे। हालांकि फर्स्ट टाइम ये यूज हुआ था 1959 में, जो इलाही करके चाइना के प्रीमियर थे और जवाहरलाल नेहरू अपने तरफ से, इनके बीच में टर्म यूज हुआ था फर्स्ट टाइम 59 में, लेकिन 1962 के बाद ये ड्रॉ किया गया है। बात अगले न्यूज आर्टिकल की करेंगे, एक एडवर्टीजमेंट है लेकिन ये अपने आप में एक आर्टिकल है। यहाँ लिखा हुआ है इंडियन स्पेस एसोसिएशन और इसका मोटो है भूमंडल से ब्रह्मांड तक। हिंदी के टर्म पे सेंट्रल गवर्नमेंट काफी जोर दे रही है, काफी फोकस कर रही है भूमंडल से ब्रह्मांड तक। अगर इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो ये होगा फ्रॉम अर्थ टू द स्पेस, ये होगा फ्रॉम अर्थ टू द स्पेस। इंडियन स्पेस एसोसिएशन इस्पा अब के बाद एक नया इंस्टीट्यूशन है, आपको केयर करना पड़ेगा, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने इसे इनॉग्रेट करने वाले हैं आज, एक्चुअली अब तक कर दिया होगा इन्होंने। ये आत्मनिर्भर भारत का एक पार्ट है, आत्मनिर्भर भारत जिसके तहत पैकेज वगैरह भी कोविड के टाइम पे इशू किया गया था, ये उसका पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, एक आर्टिकल आया है कि एचसी ग्रांट्स वेल टू मैन चार्ज अंडर पोस्को। पोस्को से हमें याद आता है 2012 में ऐसा कुछ हुआ था कि गवर्नमेंट को एक एक्ट लाना पड़ा था, इसका पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, पोस्को एक्ट, शॉर्टकट में हम इसे पोस्को के नाम से जानते हैं। 2012 में लाया गया था, 2019 में इसे अमेंड किया गया है और अमेंडमेंट में जो चीजें शामिल की गई है वो कुछ इस तरीके से है कि ड्रास्टिक चेंज कह सकते हैं आप उसे, ड्रास्टिक चेंज इन द सेंस, ड्रास्टिक चेंज का मतलब है कि जैसे फर्स्ट वाले में 2012 वाले में ये मेंशन नहीं था कि कितने ईयर तक का पनिशमेंट होगा, मैक्सिमम 10 ईयर था उसमें, यहां पर 20 कर दिया गया और डेथ कर दिया गया है। पोस्को के तहत अब डेथ भी हो सकती है, डेथ सेंटेंस दिया जा सकता है लोगों को। यहां देखें एक स्क्रीनशॉट मैं दिखा रहा हूं जिसमें लिखा है द पनिशमेंट फॉर सच ऑफेंस इज इंप्रिजनमेंट बिटवीन 7 ईयर टू लाइफ एंड ए फाइन, द बिल इंक्रीजेज द मिनिमम पनिशमेंट फ्रॉम 7 ईयर टू 10 ईयर। 2012 के बिल में मिनिमम पनिशमेंट पोस्को में 7 ईयर है, पोस्को जो कि 2012 में लाया गया है। कई बार आपको यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे, पोस्को एक्ट कब आया था, 2012 में आया था, 2019 में इसे अमेंड करके फिर से लाया गया है।
अमेंडमेंट में मिनिमम जो पनिशमेंट है 7 ईयर से 10 ईयर कर दिया गया है। मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्को का अमेंडमेंट और पोस्को एक्ट भी। ये एकमात्र ऐसा एक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड के पास जो चाइल्ड चिल्ड्रेन को प्रोटेक्ट करती है। इट फर्दर सेड दैट इफ ए पर्सन कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट ऑन ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 16 ईयर, जिसे कि हम नाबालिग कहते हैं, ही विल बी पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट बिटवीन 20 ईयर टू लाइफ विद अ फाइन। 20 साल की सजा होगी अगर बच्चे की उम्र 16 साल से कम है। तो ये चीजें आप याद रखें। एक बार कंपेयर करते हैं पोस्को एक्ट 2012 और 2019 के बिल को। मैक्सिमम मिनिमम जो अब सजा होगी पोस्को में वो 5 साल की होगी मिनिमम सजा, जबकि उसमें मैक्सिमम 5 ईयर था। कब? पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए अगर किसी चाइल्ड को यूज किया जाता है तो। अगर किसी चाइल्ड को पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है तो मिनिमम जो सजा होगी वो 5 साल होगी। अगर चाइल्ड को पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है और असल्ट किया जाता है तो मिनिमम 10 साल की सजा होगी, मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकता है। अगर चाइल्ड को पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए रिजल्ट यूज किया जाता है और बहुत ही एग्रेवेटेड टाइप का असल्ट किया जाता है तो मिनिमम 20 साल की सजा होगी और मैक्सिमम डेथ सेंटेंस मिलेगा। फर्दर बहुत सारी चीजें हैं इसमें, आप यहाँ देख सकते हैं कंपैरिजन। मेन ये 10 साल पे आपको फोकस रखना है कि अब मिनिमम 10 साल की सजा है अगर किसी बच्चे को असॉल्ट किया जाता है तो, और अगर किसी बच्चे को पे फिल्म बनाया जाता है गलत तरीके का तो मिनिमम 5 साल की सजा है। नए विल में डेथ सेंटेंस की भी बात की गई है, जिस पर सो कॉल्ड ह्यूमैनिटेरियन जो पर्सन है हमारे कंट्री में ह्यूमैनिटी के नाम पे काम करने वाले हैं, इन्होंने इसके अगेंस्ट आवाज उठाई थी कि नहीं डेथ सेंटेंस सही नहीं है, लानत है ऐसे लोगों पे। खैर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। पोस्को एक्ट, ये हाईकोर्ट ने ग्रांट दिया है, वेल दिया है पोस्को एक्ट के तहत, इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं इसमें पढ़ सकते हैं कि आखिर रीजन क्या रहा होगा। फिलहाल अपना इंटरेस्ट इसमें नहीं है, अपना इंटरेस्ट पोस्को एक्ट में है, कब आया था, कब अमेंड हुआ, क्या उसके प्रोविजन है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल अस्टावल वार्निंग को लेकर के है। अस्टावल वार्निंग दिल्ली एनसीआर के आसपास के रीजन में बहुत बड़ा पॉल्यूशन का सोर्स है। ये आर्टिकल कहता है कि बायो डिकम्पोजर सॉल्यूशन टू बी स्प्रेड ऑन सिटी फार्म लैंड्स फ्रॉम टुडे। जब फसल पक के हार्वेस्ट कर लिया जाता है, पके हुए फसल को हार्वेस्ट कर लिया जाता है तो बाकी की जो चीजें रह जाती हैं उसे जला दिया जाता है, जिसे हम अस्टावल वर्निंग के नाम से जानते हैं। उस जलाने के प्रोसेस में जो उसमें से माइक्रो पार्टिकल्स निकलते हैं वो पॉल्यूटेंट होते हैं, PM 2.5 टाइप के भी होते हैं, जो बहुत खतरनाक है, जो सीधा हमारे लंग्स में एंटर करता है। तो अब उससे बचने के लिए वायो डिकम्पोजर स्प्रे किया जाएगा उस पर। अब ये वायो डिकम्पोजर आपका फोकस होना चाहिए कि कौन कौन से केमिकल्स हैं जो वायो डिकम्पोजर के जैसे यूज किए जाते हैं। आज का अपना फोकस यहाँ एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है वापकॉस, है ना, ये बाप बाप वाला बाप नहीं है, ये वापकॉस है, वापकॉस। ये एक सेंट्रल एजेंसी है, इसका डिटेल मैं आपको दिखाता हूं। वापकॉस एक सेंट्रल एजेंसी है और इसका पूरा नाम है वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विस, वापकॉस। वापकॉस का पूरा नाम है वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विस। ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आता है और इसका काम है किसी भी इंस्टीट्यूशंस को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नमेंट को, प्राइवेट बॉडी को, अगर कंसल्टेंसी चाहिए, कोई हेल्प चाहिए पोल्यूशन से रिलेटेड तो ये वापकॉस देती है। सो वापकॉस से इंपॉर्टेंट है, वापकॉस के लिए आप याद रखें कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का एक एजेंसी है जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवाता है वाटर रिसोर्स फील्ड में, पावर में और इंफ्रास्ट्रक्चर में, वापकॉस। आते हैं वापस अपने न्यूज आर्टिकल पे। ये दिल्ली से रिलेटेड बातें हो रही है। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट और एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स और एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें 12 टोटल मेटल गैस और पर्टिकुलेट मैटर्स को रखा गया है, जिसमें लेड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, PM 2.5 भी है, PM 10.5 भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, और ऐसे ऐसे टोटल 12 एलिमेंट है, 12 कंपोनेंट हैं स्टैंडर्ड एयर क्वालिटी के, जो कि 2014 में लॉन्च किया गया था और
नेशनल क्लीन एयर क्वालिटी एयर प्रोग्राम 2019 में लॉन्च किया गया है, क्लीन एयर प्रोग्राम। तो एयर पोल्यूशन को लेकर के गवर्नमेंट काफी एक्टिव है, हमें इन सारे प्रोग्राम को लेकर के एक्टिव होना चाहिए, कब कौन लॉन्च हुआ और किसमें की क्या प्रोविजन है। चलते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। नवीन 6 PM इंटरवेंशन फॉर सरप्लस राइस। मैंने आपको कहा था कि उड़ीसा के सीएम का स्टेटमेंट आया है, उन्होंने पीएम को इंटरवेन करने के लिए कहा है, क्योंकि उड़ीसा ने इस बार जरूरत से ज्यादा राइस उपजा लिया है। तो उन्होंने कहा है कि प्रोक्योर किया जाए, चूंकि FCI का एक लिमिट होता है, हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है जब तक हम उड़ीसा पीसेस नहीं दे रहे कि उड़ीसा का इस बार का कितना मिलियन टन रहा है। बट हाँ, इसमें जरूर इंटरेस्ट है कि ये काम करता कौन है, प्रोक्योरमेंट करने का रूल क्या है और MSP क्या है, MSP है क्या, ये कब लॉन्च किया गया था और क्या क्या प्रोविजन है। तो मेनली ये प्रोक्योरमेंट का काम है FCI का, और FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्टोर भी करती है और जरूरत पड़ने पर स्टेट को देती भी है डिफरेंट डिफरेंट मिशन के तहत, जिसमें से एक है आपका PDS। हालांकि अब ये TPDS हो गया है, टारगेटेड टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। तो एक बार नजर डालते हैं उन सारे प्रोविजन पे जो MSP, FCI और फूड प्रोक्योरमेंट या फूड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। ये मैं स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं जिसका टाइटल है, इज MSP मैंडेटरी फॉर प्राइवेट ट्रेड एज वेल इन सम स्टेट? नो, MSP नॉट मैंडेटरी फॉर परचेज ऑफ फूड ग्रेन्स बाय प्राइवेट ट्रेडर्स और कंपनीज, FCI के लिए मैंडेटरी है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि MSP मैंडेटरी है प्रोक्योरमेंट में, तो आप ये मत बोलें कि केवल FCI के लिए, गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी है, प्राइवेट बॉडीज MSP से कम पे खरीद सकती है अगर फार्मर देने को तैयार है तो। हाँ, इसमें कुछ रूल है कि पैन कार्ड गवर्नमेंट का जरूरी है, ये फार्मर का जरूरी है, सितंबर 2020 में ये रूल लाया गया था। इससे रिलेटेड नेक्स्ट चीज है कि क्या MSP सारे क्रॉप पे एप्लीकेबल है? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 23 क्रॉप्स के लिए MSP को नोटिफाई किया है। कितने क्रॉप के लिए? 23 क्रॉप के लिए, ओनली 23 क्रॉप के लिए MSP नोटिफाई किया गया है। और ईयर शुरू होता है, नोटिफिकेशन जब आता है वो खरीफ और रबी सीजन के पहले आ जाता है। रिकमेंड कौन करता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, इसे हम CACP के नाम से भी जानते हैं। एक अलग से कमीशन है MSP को निर्धारित करने का, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI प्राइस को नहीं फिक्स करती है, MSP फिक्स करने का काम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस को। MSP पर FCI खरीदती है क्रॉप को, ना कि FCI उसे निर्धारित करेगी कि इतने पैसे पे खरीदे जाएगा। जैसे सपोज कीजिए, इस बार का जो पैडी का था वो 1900 कुछ रुपए पर क्विंटल था, तो ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस निर्धारित करेगा, ये फिक्स करेगा उस प्राइस को। FCI का काम है खरीदना, स्टोर करना और जरूरत पड़ने पर सप्लाई करना। ये CACP बहुत फेमस नाम है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, बहुत बार मेंशन होता है क्वेश्चन पेपर में। ये एक अटैच्ड ऑफिस है, ये कोई डिपार्टमेंट नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में। फर्दर 2019-20 के लिए, चूंकि 21-22 चल रहा है अभी, जो क्रॉप प्रोडक्शन है MSP प्रोक्योर किया गया है वो आप देख सकते हैं। राइस सबसे ज्यादा रहा है 43%, व्हीट उसके बाद रहा है 36%, पल्स रहा है 12% और कोर्स ग्रेन्स रहे हैं 1%। कुछ और चीजें हैं सबसे इंपॉर्टेंट है MSP का जो स्टार्टिंग ईयर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चाइना वार और ये पाकिस्तान के साथ वार के बाद हुआ था, जब फूड क्राइसिस से इंडिया जूझ रहा था तब ये आया था। 1966 और 67 में लाया गया था इसे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को सेंटर ने इंट्रोड्यूस किया था इसे। चलते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। एक आर्टिकल आया है, मेघालय रिवर बैक, मेघालय की नदी वापस आ गई है। नदी कैसे वापस आ सकती है भाई? लेकिन आगे मेंशन है कि फ्रॉम डेड, मर गई थी बेचारी, दो बार मरी ये रिवर। इस रिवर का नाम भी वैसा ही है, लुक्का। वैसे लुक्का पढ़ा जाता है लेकिन लुक्का से आप याद रख सकते हैं, आपको याद रहेगा, लुक्का एक रिवर है। आप देखिए इसकी हालात को, देखिए इस रिवर की हालात को देखिए, फिर हम इस पे बातें करेंगे। ये आपको कोई आइलैंड नहीं दिख रहा है, ये कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां पे तालाब या लेक लेक का फीलिंग आ रहा होगा, ये एक्चुअली रिवर है।
और ये इसकी जो ब्लू वाटर है इसकी सुंदरता के कारण नहीं है, ये पॉल्यूशन है इसका। ये मेघालय में ईस्ट जयंतिया हिल में, जयंतिया गारो खासी के लिए मेघालय को जाना जाता है, वहां एक रिवर है लुक्का, जो दूसरा रिवर एक और है जिसका नाम है लुनार, लुनार की ट्रिब्यूटरी है ये रिवर लुक्का, ये जो दिख रहा है आपको, और ये पानी जो ब्लू ब्लू सा दिख रहा है, यहाँ एक पर्सन जिसके शरीर पे ऊपर हिस्से पे कपड़े नहीं है और उसके बच्चे के तो बिल्कुल ही नहीं है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन लोग हैं। ये माइनिंग में काम करने वाले लोग हैं, ये माइनिंग में काम करने वाले लोग हैं, और यहाँ पे माइनिंग की ही देन है, डिफरेंट डिफरेंट माइनिंग, मेनली लाइम स्टोन इसकी देन है कि इस लुक्का रिवर जो कभी जिंदा हुआ करता था, दो बार अब तक मर चुका है। अभी हाल ही में 2014 में, पिछले साल, पिछले 2014 के ईयर में मेघालय का जो सीपीसीबी है, सीपीसीबी सेंटर पे होता है, हर स्टेट का अपना कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड होता है, हर स्टेट का अपना सीपीसीबी होता है, तो मेघालय सीपीसीबी ने 2014 में एक इसे लाइव करने का प्रोग्राम लाया, पायलट प्रोजेक्ट चलाया था, और आज ये आर्टिकल में इसलिए है कि ये आज लाइव है, ये नदी वापस आ गई है। इस नदी के मरने के क्या कारण थे, इसका पानी ब्लू होने का क्या कारण है, ये सुनिए। जनरली वाटर पोल्यूशन के ये सारे इंडिकेटर हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कमजोर हो जाए वाटर पोल्यूटेड है, टर्बिडिटी कमजोर हो जाए वाटर पोल्यूटेड है, टोटल सॉलिड्स अगर मेजर करें ज्यादा आ जाए एक लिमिट से वाटर पोल्यूटेड है, हार्डनेस आ जाए पोल्यूटेड है, कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड सल्फेट फॉस्फेट नाइट्रेट कंसेंट्रेशन वाटर पोल्यूटेड है, डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाए वाटर पोल्यूटेड है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाए, बीओडी कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, इनफैक्ट बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो, ज्यादा हो जाए या डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाए, याद रहे बहुत नॉर्मल है ये चीजें, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डिजोल्व ऑक्सीजन नाम ही है, जितना कम ऑक्सीजन उतना ज्यादा पॉल्यूटेड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जितना ज्यादा डिमांड उतना ज्यादा पॉल्यूटेड, ये एनालाइज किया जाए, ये सारे टर्म्स एनालाइज किया जाता है वाटर पॉल्यूशन को मेजर करने के लिए, और लुक्का इन सारे मेजर में फेल हो गया था, अब वापस आ गया है। दो शब्द लुक्का के बारे में, एक्चुअली ये लुक्खा है, मैं बार बार लुक्का बोल रहा हूँ, आपको याद हो जाएगा कि ये रिवर मेघालय में है, लुनार का ट्रिब्यूटरी है, और ये ब्लू वाटर बॉडी में कन्वर्ट हो गया था वाटर पोल्यूशन के कारण, क्योंकि जो ईस्ट जयंतिया हिल है वो ना केवल लाइम स्टोन, कोल वगैरह, मैग्नेटाइट वगैरह, इन सब के भी माइंस है वहां पे। ओवरऑल क्वालिटी ऑफ वाटर ऑफ रिवर वॉज फाउंड टू बी पुअर एंड दिस वॉज एट्रीब्यूटेड टू द एक्टिविटी सच एज माइनिंग ऑफ लाइम स्टोन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट इन द कैचमेंट एरिया ऑफ द रिवर, जहां लाइम स्टोन होगा वहां सीमेंट इंडस्ट्री होगा नो डाउट। इट वॉज फाउंड दैट पॉल्यूशन ऑफ द लुक्का रिवर वॉज मेनली ड्यू टू हाई पॉल्यूशन ऑफ द लुनार रिवर, जैसा कि मैंने कहा था कि लुक्का लुनार का ट्रिब्यूटरी है, और पहले लुनार गंदा होता है, पॉल्यूट होता है, और फिर वो लुक्का को कर देता है। दैट ज्वाइन द लुक्का नियर द सोनापुर विलेज, ये विलेज का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, ईस्ट जयंतिया हिल इंपॉर्टेंट है, जहां ये रिवर है, जहां से ये फ्लो करती है। वाटर ऑफ द अपस्ट्रीम लुनार रिवर वॉज फाउंड टू बी हाईली एसिडिक, ध्यान रहे एसिडिक का मतलब होगा अगर लाइमस्टोन जैसे चीजों का पार्ट्स जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है एसिडिक होना है, बेसिक तो होगा नहीं। हाई टर्बिडिटी, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ टोटल हार्डनेस, अगर वाटर का कंडक्टिविटी हाई हो जाए तो वाटर पॉल्यूटेड होगा, क्यों, क्योंकि उसमें जो मटेरियल्स होंगे वही तो कंडक्टिविटी करवाएंगे, प्योर वाटर कंडक्टर नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें कोई भी इंप्योरिटी ना हो। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ टोटल हार्डनेस, कैल्शियम एंड सल्फेट इन वाटर ड्यू टू पोल्यूशन फ्रॉम लाइमस्टोन एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज। तो स्टडीज बाय द मेघालय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एमपीसीबी इन 2008 हैव आल्सो फाउंड, देखिए ये 2008 में फर्स्ट सर्वे किया गया था, 2014 में फाइनल सर्वे लिया गया था, जो मैंने पहले मेंशन किया हुआ है। तो इसने ये पाया कि लुक्का गेट पोल्यूटेड ड्यू टू ट्रिब्यूटरी लुनार विच कम इन टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द मिक्स्ड कोल एंड लिथ्स एंड विल फेंस फ्रॉम द लाइमस्टोन माइंस, द कॉकटेल ऑफ कंटेनमेंट इज सो डेडली दैट इट नॉट ओनली किल्स द फिश एंड अदर लाइफ फॉर्म द लुनार रिवर बट ऑल्सो दोज ऑफ द लुक्का। तो ये था लुक्का रिवर, मेघालय का डायग्राम आपको, मेघालय का मैप आपको याद ही होगा, और अगर याद नहीं है तो एक नजर जरूर डाल लें कि जो गारो जयंतिया और खासी है ये पड़ते कहाँ हैं। अच्छा, मेघालय रैट होल कोल माइंस के लिए भी जाना जाता है, रैट होल का मतलब क्या होता है, चूहे जैसे बिल बना करके कोयला चुरा लेना, बड़े बड़े माइंस वहां पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेघालय एक ना केवल सिस्मिक जोन में आता है बल्कि वो इन्वायरमेंटली इंपॉर्टेंट जोन है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया है कोल माइनिंग के लिए लार्ज स्केल पे, तो वहां आज भी लोग रैट होल चूहे के जैसा बिल बना करके और चूहा बन करके जाते हैं और कोयला चुरा के ले आते हैं। तो ये जयंतिया, ईस्ट जयंतिया हिल जहां लुक्का रिवर फ्लो करती है, ये देखिए ईस्ट जयंतिया हिल मेंशन है यहाँ पे, ये रैट होल कोल माइनिंग के लिए भी फेमस है।
इन फेमस कहा जाए, फेमस क्या रहेगा? बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लाया है, देश के मेंटर। दिल्ली गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है गर्ल्स के लिए और वो चाहती है कि गर्ल्स लीड करें एजुकेशन इंडस्ट्री को और देश के मेंटर बने। तो अगर ऐसा कोई टॉपिक आता है, देश का मेंटर प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? एजुकेशन से। किसका है? तो ये दिल्ली गवर्नमेंट का है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। पावर रिस्ट्रिक्शन का बहुत बड़ा इशू चल रहा है, बहुत र्यूमर्स भी चल रहे हैं कि पावर खत्म हो जाएगा, कोल खत्म हो जाएगा। 5 दिन पहले कहा गया था 4 दिन में, आज 5वां दिन है, अभी तक तो बिजली गई नहीं है। तो नो डाउट सोशल मीडिया के इस टाइम पे र्यूमर्स भी बहुत सारे चल रहे हैं। केंद्र सरकार एश्योरेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बात जब आती है पावर रिस्ट्रिक्ट पावर की, तो आज भी कोल का जो कंट्रीब्यूशन है कंट्री में सबसे ज्यादा है। आइए एक नजर डालते हैं कि कोल का कंट्रीब्यूशन यानी थर्मल पावर का कंट्रीब्यूशन कितना है। ये मैं एक आपके लिए स्क्रीनशॉट लेकर के आया हूं। कोल इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड। कोल फायर्ड जनरेट 72% ऑफ इंडिया इलेक्ट्रिसिटी। दिस कंबाइंड विद द ग्रोथ ऑफ कोल कंज्यूमिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर्स लाइक स्टील। ये जो 72% है ये कंबाइंड है। इज वाई द सॉलिड फ्यूल सोर्स विल कंटिन्यू टू बी इंटीग्रल टू इंडिया इकोनॉमी इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डिकेड। अगले 20 साल तक कोल कहीं जाने वाला नहीं है। कोल का जो सेपरेट कंट्रीब्यूशन है टोटल इलेक्ट्रिसिटी में, वो जो 72 देख रहे थे वो ओवरऑल था, वो डाटा इंपॉर्टेंट आपको याद नहीं रखना है, लेकिन हाँ कोल लार्जेस्ट है ये आप नहीं भूलेंगे। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि कोल का जो कंट्रीब्यूशन है वो 52.1% है। आप यहाँ देख सकते हैं ये 31 अगस्त 2021 का रिपोर्ट है, यही आप मेंशन करेंगे। आप चाहें तो एक पाई चार्ट बना सकते हैं। कोल का कंट्रीब्यूशन 52.1% है, विंड पावर का कंट्रीब्यूशन 10.2% है, सोलर का 11.8% है, गैस का 6.4% है और बायो एनर्जी का 2.7% है। सबसे ज्यादा कोल का कंट्रीब्यूशन आज भी है इंडिया में। इंडिया जिसके पास 5th लार्जेस्ट रिजर्व है और 2nd हाईएस्ट प्रोडक्शन है कोल का। 5th लार्जेस्ट रिजर्व, 2nd हाईएस्ट कोल प्रोडक्शन। फर्स्ट कौन है? नो डाउट चाइना। कुछ और फैक्ट्स हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन स्टेट इन स्टेट कहां लोकेटेड है इसका। तो ये कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो था फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग स्टेशन है इंडिया का। कुछ और आर्टिकल हैं, जैसे सबसे ज्यादा पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी किसके पास है, इलेक्ट्रिसिटी का इंस्टॉलेशन सबसे ज्यादा किसके पास है, तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के पास है, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा डैम और ये प्रोजेक्ट वगैरह हैं। चलिए लौटते हैं अपने न्यूज की तरफ और एक दो और चीज आपको बता दें। जो सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो तमिलनाडु वाला है ना, मोस्ट फेमस। और सबसे इलेक्ट्रिसिटी अगर थर्मल में कहें तो वो सिंगरौली है। मैं यहां मेंशन कर देता हूं, सबसे बड़ा जो पावर स्टेशन है थर्मल उसका नाम है जी सिंगरौली, और ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसमें कुछ भी ऐसा अपने आर्टिकल का नहीं है, सब स्टेट ने अपना अपना कंसर्न दिया है कि यहाँ इसी स्टेट का एक्चुअली एक सर्वे है कि यहाँ पर इतना बच रहा है, यहाँ पर इतना बच रहा है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल में एक कंसर्न एग्जिट किया गया है कि चाइना का प्रेजेंस श्रीलंका में बहुत बड़ा कंसर्न है। बिल्कुल है, ये सबको पता है, उसने हमन टोटा 99 साल के लिए खरीदा हुआ है, अब उसे वो मिसयूज कर सकता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी ये पॉलिटिकल कंटेंट है, कुछ ज्यादा इसमें अपने काम का नहीं है, एक्सेप्ट कि आपको याद होना चाहिए श्रीलंका अपना लैंड टचिंग कंट्री नहीं है, वो एक पाक वे, एक वाटर सेपरेटिंग बॉडी से सेपरेटेड है। श्रीलंका इंडिया के बाउंड्री को टच नहीं करता है। बात करेंगे हम अगले आर्टिकल की। एक आया है वर्क इन प्रोग्रेस और यहां पर एक हिल है जिसका नाम मेंशन है कुथिरान हिल्स। आपको याद आना चाहिए कि कुथिरान एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है,
जो केरला के त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में है, यहां से नेशनल हाईवे 544 नंबर पास करता है पलक्कड़ और त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में, ऑब्वियसली केरला में। ये केरला का सबसे बड़ा टनल है और साउथ इंडिया का 6th लार्जेस्ट टनल है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है जो लास्ट लाइन मैंने बोला कि फर्स्ट एंड सिक्स, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि कुथिरान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है। तो ये पड़ता है कुथिरान हिल्स में, जो त्रिशूर केरला डिस्ट्रिक्ट में है। कुछ और इंफॉर्मेशन इस पर देखते हैं, अपने पास क्या इंफॉर्मेशन है कुथिरान से रिलेटेड। कुथिरान हिल वेस्टर्न पार्ट ऑफ अन्नामलाई हिल में है। अन्नामलाई हम सब जानते हैं, कुथिरान बहुत ही छोटा सा पार्ट है उसका। हाल ही में नितिन गडकरी जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को देखते हैं, इन्होंने ओपनिंग अनाउंस किया था कि जो ये टनल है कुथिरान टनल, उसे हम ओपन करने जा रहे हैं। आप यहां देख सकते हैं एंट्रेंस ऑफ कुथिरान टनल को। ये अन्नामलाई हिल में पड़ता है और अन्नामलाई केरला में है, ऑर्डर आपको याद होने चाहिए इसके। दिस हिल्स द हिल्स आर ए नोटिफाइड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कुथिरान ग्रेडियंट वाज ए मेजर ट्रैफिक बॉटलनेक नैरो पास एंड एन एक्सीडेंट स्पॉट ऑन द क्राउडेड त्रिशूर पलक्कड़ स्ट्रेच ऑफ द नेशनल हाईवे 544। नेशनल हाईवे से आपको याद आना चाहिए कि नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, अब जो हाईवेज लिए जाते हैं उनके नंबरिंग इस तरह से होते हैं कि जितने भी इवन हैं वो नॉर्थ से साउथ जाएंगे, जितने भी ऑड हैं वो ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे। इसे आप एक बार क्रॉस चेक भी कर लें। अब हाईवे ऐसा नहीं होता कि एक नंबर के बाद दो नंबर जा रहा है, या तो ईस्ट से वेस्ट जाने वाला सारा इवन नंबर का होगा या ऑड नंबर का होगा। दिस इज द न्यू नंबरिंग ऑफ एनएच नेशनल हाईवे इन इंडिया। ये जो अपना कुथिरान अपने कंट्री का टनल है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? एक्चुअली केरला में 2018 में फ्लड आया था और उस फ्लड में इस टनल का इंपॉर्टेंस पता चला था। इमरजेंसी में इस टनल को ओपन किया गया था जो बहुत ज्यादा अच्छे कंडीशन में नहीं था, है ना। उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि इसे सही ढंग से बनाया जाएगा और सही ढंग से ऑपरेट किया जाएगा। बात करेंगे हम नेक्स्ट आर्टिकल की। नेक्स्ट आर्टिकल ये रेबीज दिख रहा है। रेबीज पता ही है डॉग वाइट के कारण होता है। एडिटोरियल में कुछ खास है नहीं, मेंस के लिए आपको लाइंस मिल जाएंगे और साउथ इंडिया को लेकर के दिया गया है। द हिंदू की एक ये मेरे ख्याल से खासियत तो नहीं कही जाएगी, कुछ भी छोटी सी बात हो या छोटा सा आर्टिकल हो साउथ इंडिया का बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर ये छापते हैं, जो कि अपने लिए सही नहीं है, बाकी किसी के लिए सही है तो रहे, हमें क्या करना है। हमें तो केवल वो आर्टिकल चाहिए जो हमारे काम का है। वी आर सेल्फिश। क्यूएस डाटा काफी दिनों से चर्चा में है। क्यूएस का मतलब है क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे। पहले भी दो चार आर्टिकल इस पे आ चुके हैं, फिर से आज एक आर्टिकल आया है, तो आज जान ही लेते हैं कि आखिर हुआ क्या है ऐसा। क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे में ऐसा क्या डाटा दे दिया है गवर्नमेंट ने कि बवाल मचा हुआ है। एक सारे के सारे आर्टिकल कुछ ना कुछ फूक बता रहे हैं कि इसमें मिस्टेक है। तो देखते हैं क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे कहता क्या है। द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट राउंड ऑफ रीडिजाइंड क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे शोड एन एस्टिमेटेड टोटल एम्प्लॉयमेंट ऑफ 3.8 करोड़ कंपेयर टू 2.3 करोड़ जॉब रिपोर्टेड इन 13-14-6 इकोनॉमिक सेंसेस। इस सर्वे का कहना है कि कोविड के टाइम पे भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, यही लोगों को पच नहीं रहा है, मुझे भी नहीं पच रहा है। लोगों का एम्प्लॉयमेंट कम हुआ है और गवर्नमेंट कह रही है कि बढ़ा है, और वो भी कैसे बढ़ा है जो देखिए। सबसे ज्यादा बढ़ा है 152% आईटी में, आईटी सेक्टर बीपीओ में, कॉलिंग कॉल सेंटर वाले में। मान सकता हूं मैं वर्क टू होम था ये ठीक है, लेकिन 152% आईटी से भी लोगों को निकाला गया है। वाइल ग्रोथ रेट इन हेल्थ सेक्टर इज 77%, ये भी मैं मानूंगा, डाटा थोड़ा लंबा चौड़ा है 77, लेकिन हाँ बढ़ा होगा क्योंकि सारा कुछ तो हेल्थ में ही जरूरत पड़ रही थी, डॉक्टर से लेकर के नर्स तक सब कुछ हायर करना पड़ रहा था, तो लोगों को मिला होगा जॉब। इन एजुकेशन इट इज 39%, इस बात को नहीं मान सकता मैं भी। एजुकेशन में ग्रोथ हुआ हो एम्प्लॉयमेंट का ये पॉसिबल नहीं है जी, क्योंकि स्कूल ने लोगों को बेरोजगार कर दिया, कॉलेज ने कर दिया, कोचिंग इंडस्ट्री ने कर दिया, ऑनलाइन एजुकेशन चला, लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि एक ही टीचर 10 टीचर का काम कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में 22% बढ़ा है, ये सब ग्रोथ है। ट्रांसपोर्ट में 68% बढ़ा है, लोग घरों में थे और ट्रांसपोर्ट में 68% बढ़ा है। सोचिए, मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हूँ, किसी के अगेंस्ट हम बातें नहीं कर रहे, बट डाटा को हम इंटरेस्ट के साथ
इंजॉय कर रहे हैं कि ये डाटा कितना सच्चा डाटा है, कितनी सच्चाई है इसमें। कंस्ट्रक्शन में 42% पड़ा है, और ये कहना है लेबर मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी का, जिन्होंने कि क्यूईएस डाटा रिलीज किया था। क्यूईएस डाटा लेबर मिनिस्ट्री रिलीज करता है और ग्रोथ दिखाया गया हर एक चीज में। सो कहीं ना कहीं इस बात को बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और होना भी नहीं चाहिए। तो वो इस बात को बता रहे हैं कि कितना गलत डाटा गवर्नमेंट दे रही है, मैनिपुलेट कर रही है चीजों को। एक और नजर डालिए, 9 की सेक्टर इंप्लॉयड 30.8 मिलियन पीपल एट द एंड ऑफ 30 जून। इसको अगर बिलियन में करेंगे तो 3.08 हो जाएगा। द गवर्नमेंट्स क्वार्टरली ये 0.3 बिलियन हो जाएगा, 3 बिलियन तो पॉपुलेशन भी नहीं है। द गवर्नमेंट क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट वेस्ट जॉब सर्वे दिखाता है कि मैन्युफैक्चरिंग में 40%, जो उधर 42 दिख रहा था, हेल्थ में 21, जो 22 दिख रहा था, एजुकेशन में 21, हेल्थ में 8, आईटीबीपी में 6, और बाकी के सेक्टर में आप देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पीपल इंप्लॉयड इन 9 की सेक्टर 30.8 मिलियन। गवर्नमेंट का कहना है कि बेरोजगारी इतनी नहीं है जितना समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि 30.8 मिलियन पीपल इंप्लॉयड हैं 9 की सेक्टर में। रही बात जेंडर गैप की, तो 100 में से केवल 30 महिलाएं काम कर रही हैं और 70 पुरुष काम कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट डाटा है। देखो, अपने को पेपर देना है तो हमें तो यही डाटा यूज करके आना है। गलत है तो गलत ही सही है ना, गलत सही जब कुछ कर लेंगे तब डिसाइड करेंगे। अभी तो जो दे दिया गया डाटा गवर्नमेंट की तरफ से, आंख बंद करके मेंस में छाप करके आ जाओ और प्री मेट्रिक करके आ जाओ, कुछ भी इधर उधर नहीं। ज्यादा होशियार बने तो रिजल्ट नहीं आएगा, फिर करना है जो कर लो। तो ये मेनली इसी पे बवाल मचा हुआ है। बाकी आपका इंटरेस्ट है तो आप इसको पढ़ लीजिए डिटेल में कि क्यूईएस है क्या, बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। एक टर्म आया है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंप्रूव्स मार्जिनली। एक्चुअली एक प्रोटेक्शन एक्ट भी अभी आया था, 2020 में लाया गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसे अमेंड करके लाया गया है, जहां कंज्यूमर को थोड़ा और इम्पावर कर दिया गया है। मैं कहूंगा आप ध्यान में रखें, स्टेट पीसीएस जरूर पूछेंगे इन चीजों को। हाल फिलहाल के 3-4 सालों में जितने भी एक्ट आए हैं वो रिवाइज होंगे बार बार। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। एक टर्म मेंशन हुआ है सीआईसी, फेवर्स डिस्क्लोजर ऑफ बचर फाइल। अब बचर पढ़ेंगे, बूचर पढ़ेंगे, जो पढ़ना है आपको पढ़िए। ये तो मर गए बूचर साहब, तो उनके फाइल को बंद करने की बात की है सीआईसी ने। सीआईसी, जी हाँ, आरटीआई वाले सीआईसी की बात हो रही है। ये सीआईसी आप यहां देख सकते हैं, ये अपने वाईके सिन्हा ओथ ले रहे हैं, प्रेसिडेंट उन्हें ओथ दिलवा रहे हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पोस्ट पे। नवंबर 2020 में इन्होंने लिया है और अभी नवंबर 2021 नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं अब भी वाईके सिन्हा ही चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। सीआईसी का पूरा नाम है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और ये कंस्टिट्यूट किया गया था 12/10/2005 को। बहुत इंपॉर्टेंट है डेट, एनजीटी का, सीआईसी का, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरटीआई एक्ट जो 2005 में लाया गया था उसके तहत सीआईसी को बनाया गया। सीआईसी एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी जो है वो वाईके सिन्हा हैं और यही अभी रहेंगे अगले कुछ दिनों तक। आरटीआई से रिलेटेड कुछ और चीजें, आरटीआई अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट का फाइल करते हैं तो आपको 30 दिन के अंदर अगर रिक्वेस्ट नहीं आता है तो आप अपील दाखिल कर सकते हैं सेक्शन 19 के अंडर आरटीआई एक्ट 2005। आप 30 दिन के अंदर अगर आपको आरटीआई नहीं मिलता है तो आप फाइल कर सकते हैं अपील 31वें दिन। ये था सीआईसी और आरटीआई से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन। बात करेंगे हम अगले आर्टिकल की, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। इंडिया और चाइना डिसएंगेजमेंट, इंडिया चाइना डिसएंगेजमेंट डिस्कस कर रहा है। भाई मैं कहता हूं इंगेज ही क्यों होते हो, जब मन नहीं मिलता है तो क्यों इंगेज करते हो यार एक दूसरे को, क्यों इंगेजमेंट करते हो, फिर तलाक लो, फिर इंगेज करो, फिर तलाक लो। 1962 से शुरू हुआ है और अब तक चल रहा है ना, बैठ के या तो सुलझा लो या बैठ कर लड़ लो। खैर ये आपके हमारे हाथ में नहीं है। एक टर्म है हॉट स्प्रिंग यूज हुआ है,
ये हॉट स्प्रिंग एक्चुअली पेट्रोलिंग पॉइंट है, बहुत सारे पेट्रोलिंग पॉइंट है इंडिया चाइना के बीच में, काराकोरम पास, दिस्पांग प्लेन, गालवान वैली, पेंगोंगसो, ये सारे ये सब के सब पेट्रोलिंग पॉइंट हैं एलएसी के अलोंग। हॉट स्प्रिंग भी उनमें से एक है। हॉट स्प्रिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां से गर्म पानी निकलता है। 13th राउंड के लिए इंडिया और चाइना बैठा है। मैं फिर से कहूंगा कि एलएसी का हर एक टर्म, एलएसी टोटल 3 पार्ट में है कंट्री में। एक पार्ट लद्दाख को चाइना से अलग करता है, तिब्बत को, दूसरा हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड को तिब्बत से अलग करता है, और तीसरा अरुणाचल प्रदेश में है। अक्साई चीन चाइना ने लिया हुआ है, जिसे इंडिया क्लेम करता है। हिमाचल और उत्तर प्रदेश वाला जो पार्ट है वो थोड़ा पीसफुल है ना। गालवान जो केस हुआ था वो लद्दाख में हुआ था। पैंगोंगसो है लद्दाख में है, दिसपांग प्लेन है लद्दाख में है, काराकोरम है लद्दाख में है, बाकी कुछ चीजें जो होती हैं वो इधर होती हैं, अरुणाचल वाले एरिया में होता है। एक्चुअली दिसपांग अरुणाचल वाले एरिया में है, बाकी काराकोरम, गालवान और पैंगोंगसो और ये हॉट स्प्रिंग, ये सारे के सारे लद्दाख वाले पार्ट में है, लेह में पड़ते हैं ये। तो एक नजर डाल लें इस पे अगर आपका मन है तो, अदरवाइज जो चाहिए था वो मैंने आपको बता दिया है। आसाम इविक्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो आप भी मत रुकें, आप भी बार बार याद रखें 1985 का आसाम एकॉर्ड, यही सबका जड़ है। आसाम एकॉर्ड राजीव गांधी ने बुलाया था आसाम के गवर्नमेंट को, उस टाइम के आसाम का जो स्टूडेंट यूनियन था जिसने मचा रखा था, काफी हंगामा मचाया हुआ था, सबको बुलाकर बिठाया था और रिकॉर्ड साइन किया था, बट वो अकॉर्ड कहीं ना कहीं फेल हो गया है, जिसकी वजह से ये चीजें अब तक नहीं हो पाई है। डोमेस्टिक ट्रेवल टेक्स ऑफ विथ फेस्टिवल सीजन। रेल ट्रेवल की बात, रेलवे में तो ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन सी ट्रेन सबसे ज्यादा पैसेंजर ले जाती है, लेकिन बात जब आती है एयरपोर्ट और बात जब आती है फ्लाइट की, तो इंडिगो सबसे ज्यादा डोमेस्टिक शेयर है इंडिगो का, और इंटरनेशनल लेवल पर एयर इंडिया का जो टाटा ने वापस खरीद लिया है। बात करेंगे हम अगले आर्टिकल की। देर इज नो कंसेंसस ओवर काला पानी, नेपाल के एक्स मिनिस्टर का कहना है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है यार, जब एक्स हो जाता है तब उसे याद आता है कि कंसेंसस, देर इज कंसेंसस ओवर काला पानी, इसने कहा एक्चुअली। नेपाल के एक्स मिनिस्टर का कहना है कि एक सहमति बन रही है काला पानी पे इंडिया और नेपाल के बीच में, है ना। लेकिन ये मिनिस्टर साहब एक्स हैं, क्या मतलब बनता है इनके साथ बैठने का। अरे जो अभी का है वो बोले तब हो ना, फिर भी चलो काला पानी को देखते हैं कि ये काला पानी है क्या। ये वो वाला काला पानी नहीं है जहां भेजा जाता था हमारे फ्रीडम फाइटर को। ये काला पानी एक्चुअली इंडिया में एक जगह है, उत्तराखंड में पर्टिकुलरली, जिसे नेपाल कहता है कि ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आइए दिखाते हैं आपको काला पानी टेरिटरी को। ये है काला पानी, ये जो दिख रहा है आपको स्टेट, ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़, सबसे नॉर्थ, सबसे ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का पिथौरागढ़। वहां एक जगह है काला पानी, ये जो दिख रहा है आपको काला पानी। काला पानी इंडिया का कहना है कि भाई ये हमारे पास है शुरुआत से और हमारा ही है। नेपाल का कहना है कि नहीं, ये गलती से आपने अपने बाउंड्री में शामिल कर लिया, ये हमारी जगह है। इंडो नेपाल, या आपको कहें और नेपाल और जो इंग्लिश थे, अंग्रेज थे, इनके बीच जो वार हुआ था, एक समझौता हुआ था 1814 के आसपास, 1814 में, जिसके बाद से नेपाल की तरफ अंग्रेज कभी नहीं गए। वो एक अलग मुद्दा है, फिलहाल काला पानी को दो दो सेंटेंस में खत्म करते हैं। काला पानी ट्रीटीज एंड एरिया अंडर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एज पार्ट ऑफ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड स्टेट, बट इज ऑल्सो क्लेम्ड बाई नेपाल सिंस 1997। 1997 में कुछ तो हुआ होगा, पता कीजिएगा क्या हुआ था, उसके पहले नेपाल सोया हुआ क्यों था। अकॉर्डिंग टू नेपाल क्लेम इट लाइज इन धारचूला डिस्ट्रिक्ट सुदूर पश्चिम प्रदेश। द टेरिटरी रिप्रेजेंट द बेसिन ऑफ द काला पानी रिवर, नदी भी है, वन ऑफ द हेड वाटर्स ऑफ द काली रिवर। काली रिवर की ट्रिब्यूटरी है काला पानी रिवर हिमालय में, और काली रिवर कहाँ है जी, हिमाचल में, हिमाचल और उत्तराखंड के बाउंड्री पे भी फ्लो करती है ये। द वैली ऑफ काला पानी विद द लिपू लेक पास एट द टॉप। ये लिपू लेक पास काफी न्यूज आर्टिकल न्यूज में रहता है, ये काला पानी का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है। फॉर्म्स द इंडियन रूट टू कैलाश मानसरोवर। देखिए कहां से कहां पहुंच गए हम, कैलाश मानसरोवर जाने के लिए हमें एक रास्ता चाहिए होता है, एक ओपनिंग चाहिए होता है, जिसे लिपू लेक पास कहा जाता है, और ये लिपू लेक पास यही काला पानी वैली में पड़ता है। एन एंशिएंट पिलग्रिमेज साइट, इट इज ऑल्सो द ट्रेडिशनल ट्रेडिंग रूट टू द तिब्बत फॉर भोटियाज ऑफ उत्तराखंड एंड टिंकर वैली। टिंकर वैली कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में।
वोटिया कहाँ पाए जाते हैं ट्राइब? उत्तराखंड में। द काली रिवर फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल इन दिस रीजन, हाउ एवर इंडिया स्टेट दैट द हेड वाटर ऑफ द रिवर आर नॉट इंक्लूडेड इन द बाउंड्री। हेयर द बॉर्डर रन अलॉन्ग द वाटर सीड, दिस इज ए पोजिशन डेटिंग बैक टू ब्रिटिश इंडिया 1865। ये एक्चुअली 1814 की बात है, 1865 तो काफी बाद की बात की गई है। नेपाल हैज अनदर पास द टिंकर पास और टिंकर लिपू क्लोज टू द एरिया। जैसे अपने पास लिपू लेक है, वैसे ही नेपाल के पास, नेपाल के टेरिटरी में टिंकर लिपू पड़ता है या टिंकर पास पड़ता है, जो टिंकर वैली में है, जो इंडिया और इसके बॉर्डर पे है नेपाल के। आफ्टर इंडिया क्लोज द लिपू लेक पास इन द आफ्टरमैथ ऑफ 1962 सिनो इंडिया वॉर, चाइना इंडिया के बीच में जब 1962 में वार हुआ था, कब शुरू हुआ था? 20 अक्टूबर को। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, डेट तक पूछे जाते हैं, जब क्वेश्चन ही नहीं बचेगा क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो बनाएगा। 20 अक्टूबर को वार स्टार्ट हुआ था भाई साहब इनका। द नेपाली प्रोटेस्ट रिगार्डिंग द कालापानी ट्रीटी स्टार्टेड इन 1997 आफ्टर इंडिया एंड चाइना एग्रीड टू रीओपन द लिपू लेक पास। सिंस दैट टाइम नेपाली मैप हैव शोन द एरिया अप टू द कालापानी रिवर मेजरिंग 35 स्क्वायर किलोमीटर, 35 स्क्वायर किलोमीटर पर नजर है नेपाल की। और पिछले साल काफी हंगामा हुआ था इस पर, नेपाल ने अपना नया मैप लाया है और उसमें कालापानी को दिखा दिया है। चलिए कालापानी के लिए इतना ही, अब तो याद हो ही गया होगा कि कालापानी है कहाँ और किसके किसके बीच में चीजें चल रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, अगर कुछ और है अपने काम का। इस आर्टिकल का, इस प्लेटफॉर्म का मेन मकसद है आपका टाइम बताना, बचाना और बस उन्हीं चीजों को डिस्कस करना जो पेपर से रिलेटेड हैं। आपको ज्ञानी बनाना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है, आपका रिजल्ट लाना मेरा मकसद है। और जो मेरा तरीका है उसे आप कल के पेपर से मैच करें, कल यूपीएससी का पेपर हुआ जीएस फर्स्ट पेपर से मैच करें आप करेंट अफेयर से, और देखें कि क्या मेरा जो तरीका है वो उसे मैच खाता है कि नहीं। आप 2022 के पेपर कर लेंगे कि नहीं, या 2021 में जो स्टेट पीसीएस के होने वाले हैं वो आप कर लेंगे कि नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है आप कर लेंगे, क्योंकि मेरा खुद का रिजल्ट ऐसे ही आ रहा है, इसी वे में स्टडी करने से और कराने से आ रहा है, तो मैं कॉन्फिडेंट हूं कि आपका भी आएगा। एक आर्टिकल आया है डेथ स्टॉक्स विलेज इन उड़ीसा क्योंझार, क्योंझार से याद आएगा आपको आयरन माइनिंग, क्योंझार डिस्ट्रिक्ट से याद आएगा आपको आयरन माइनिंग। ये दिख रहा है आपको रेड रेड सा, ये एक पोल्यूटेड वाटर बॉडी है और वहां पे आप डेथ, बच्चों में ऑब्वियस ही बात है जब पार्टिकल्स जाएंगे आयरन के हेमेटाइट के तो क्या होगा, लंग्स खराब होंगे उम्र से पहले, डेथ तो होनी ही है। नेक्स्ट देखते हैं अगर कुछ और अपने काम का है, जो भी आता है अपने कंट्री में ताजमहल जरूर जाता है। और ये डेनमार्क वाले भाई साहब जो हैं मिट्टी फ्रेडिस्केन अपनी वाइफ के साथ गए हैं, अच्छा ये लेडी हैं मिट्टी और वो तेंगवंग ये इनके हस्बैंड हैं। हमें इनमें इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कि इनका नाम क्या है, हाँ इसमें इंटरेस्ट है कि इंडिया डेनमार्क का रिलेशन क्या है। इंडिया डेनमार्क के रिलेशन की अगर बात करें तो पुरुलिया केस बहुत कम लोगों को याद होगा। पुरुलिया एक जगह है पश्चिम बंगाल और बिहार के बॉर्डर पे, एक्चुअली वो पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है लेकिन बॉर्डर पर है। वहां पे लास्ट के डिकेड में 20th सेंचुरी में, ये 1990 की बात के बाद की बात है, जस्ट बाद की बात है, बॉम्ब ये AK-47 जो राइफल आता है वो हेलीकॉप्टर से गिराया गया था पुरुलिया के खेतों में। सवेरे जब गांव वाले गए तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी अजीब तरह की मशीनें रखी हुई है, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो बताया गया कि ये AK-47 है। इंडिया में फर्स्ट टाइम AK-47 ऐसे लॉन्च किया गया था, हेलीकॉप्टर से गिराया गया था। बाद में इसका लिंक जिस पर्सन से जुड़ा वो डेनमार्क का रहने वाला था। उस टाइम से इंडिया और डेनमार्क के रिलेशन बड़े खराब हो गए, डेनमार्क के साथ इंडिया ने एम्बेसी तक खत्म कर दिया था। अब जबकि डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर अपनी वाइफ के साथ मोदी जी से मिलने आए हैं, एक एक्शन प्लान साइन किया गया है ज्वाइंट एक्शन प्लान के नाम से 2021 से 26 तक। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, जब कभी किसी कंट्री के साथ कुछ नया साइन किया जाता है, कोई MOU साइन किया जाता है तो उस पर क्वेश्चन बन जाता है। हाँ मेंस में आप ये उम्मीद ना करें कि पूछेगा इंडिया डेनमार्क रिलेशन को बताओ, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्री में पूछ सकता है ये आपके अवेयरनेस के लिए। एक्चुअली इस एक्शन प्लान का नाम है ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप।
बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क कब से कब तक? 2021 से 2026 तक। ठीक है, बाकी तो लंबा चौड़ा पढ़ना हो, झूठ मूठ की बातें तो पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ कह रहा है कि 400 साल पुराना रिश्ता है। हाय भाई, डच लोग तो आए थे हमारे कंट्री में, कब मना कर रहे हैं, लेकिन उसका क्या मतलब बनता है? अभी बात करेंगे हम अगले न्यूज आर्टिकल की। देखते हैं अगला न्यूज आर्टिकल क्या अपने लिए इंतजार कर रहा है। स्पुतनिक, रसिया का स्पुतनिक की मिसाइल नहीं वैक्सीन की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट है। ताइवान इंपॉर्टेंट है, ताइवान का मैप तो आपके दिमाग में अब तक बस ही गया होगा। ए क्यू खान, एक टाइम पे काफी नाम वाले थे ये, कल इनका डेथ हो गया, नेचुरल डेथ है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर के जन्मदाता माने जाते हैं ये, और इन्हीं को कहा जाता है कि इन्होंने ही ईरान को न्यूक्लियर सप्लाई किया था चोरी छिपे। ईरान जो आज किसी की नहीं सुनता है, चाहे वो यूएसए हो या यूएसए का जकपोआ हो। जकपोआ से आपको याद आया होगा, ज्वाइंट कम्प्रीहेंसिव एग्रीमेंट साइन हुआ था P5+1 के साथ ईरान ने किया था, और देखिए आज ईरान भी आर्टिकल में है। तो आज तो ईरान बनता है एक बार, पहले तो इसलिए कि पाकिस्तान के जो यूरेनियम के जन्मदाता हैं, न्यूक्लियर के जन्मदाता हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब के, पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब, पाकिस्तान के लिए। मैं और न्यूक्लियर बॉम्ब की बात नहीं कर रहा। पहला जब ए क्यू खान की डेथ हो गई है, उन्होंने उनको ए क्यू माना जाता है ईरान को चोरी छिपे यूरेनियम देने में। यूरेनियम है क्या चीज? यूरेनियम एक न्यूक्लियर, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अगर किसी भी फैसिलिटी में जो न्यूक्लियर से रिलेटेड हो, 90% से ज्यादा यूरेनियम यूज किया जाए, तो उसे यूरेनियम इनरिच्ड समझा जाता है। यूरेनियम इनरिचमेंट का मतलब होता है यूरेनियम का अमाउंट 90% से ज्यादा हो गया है, और अगर किसी न्यूक्लियर वेपन में उसे यूज किया जाएगा तो नो डाउट रिजल्ट बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होगा। ईरान जो IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि यूएन का वॉच डॉग है, कहाँ किस वर्ल्ड के किस कंट्री में क्या हो रहा है, वर्ल्ड के किस कंट्री में क्या हो रहा है न्यूक्लियर से रिलेटेड, कौन क्या बना रहा है, इस पर IAEA की नजर होती है। इसके पैनल के लोग विजिट करते हैं। तो जब ये ईरान गए तो ईरान ने क्या किया था, वहां पे उसने कैमरा तोड़ दिया, बोला एक्सीडेंट हो गया, कैमरा टूट गया, कोई क्लिप है नहीं हमारे पास। और आज ये न्यूज आया है, ये मुश्किल से 15 दिन पहले का न्यूज है, आज ये न्यूज आया है कि ईरान ने 20% ज्यादा यूरेनियम इनरिच कर लिया है। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जकपोआ फेल होने की तरफ है। ये जकपोआ क्या है ये बताते हैं आपको, JCPOA, जकपोआ पूरा नाम है इसका, ज्वाइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये ला बहुत डिटेल 159 पेज का एग्रीमेंट है P5+1 के साथ। P5 में आगे परमानेंट जो है सिक्योरिटी वाले, ये जो परमानेंट बैठे हुए हैं यूनाइटेड नेशन में, और एक आ जाता है उसमें ईरान। 14 जुलाई 2015 को इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था ईरान के साथ, जिसमें ईरान ने कहा था कि हम पीसफुल यूज के लिए यूरेनियम का यूज करेंगे, हम जो न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियर डील है एक टाइप का। ठीक है, अडॉप्ट किया गया था 2015 में 20 जुलाई को, एक साल बाद। लेकिन हाल ही में पिछले साल ईरान ने मानने से मना कर दिया, बोला जकपोआ फेल है, मैं नहीं मानता जकपोआ को, क्योंकि यूएस ने सैंक्शन लगा दिया था इस पे। सो जकपोआ आपको पता चल गया, P5+1 ईरान और ये जो पांच परमानेंट वाले हैं इनके बीच में है। कुछ और देख लेते हैं ईरान से रिलेटेड। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो कि वॉचडॉग है, ये 1957 में फॉर्म किया गया था, 29 जुलाई 1957 को। वियना में इसका हेडक्वार्टर है, और ये हर कंट्री में जाकर के ये विजिट करते रहती है कि कौन क्या बना रहा है, कोई बॉम्ब तो नहीं बना रहा है, बनाने वाला बना ही लेता है, जैसे ईरान बना रहा है। 20% ज्यादा इनरिच कर लिया, और क्या चाहिए, अब 90% इनरिच हो जाए, बॉम्ब तैयार है भाई। यूरेनियम जिसने 90% इनरिच कर लिया, वो फिर बम बन गया जी, विपन बन गया, फिर हथियार बन गया न्यूक्लियर। ईरान के ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये रहा ईरान, नॉर्थ में है उसका तेहरान, और कंट्रीज देख लें कौन कौन से टच करते हैं इसको, अजरबैजान, अर्मेनिया, टर्की, सीरिया, इराक, कुवैत, कतर, यू, ये सब अलग है, सेपरेटेड है, ये वाला जो बीच में गल्फ पड़ जाता है इधर, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया नहीं है, इंडिया तभी तो पाकिस्तान की तरफ से कभी जाता है, कभी अफगानिस्तान होकर के जाता है ईरान, डायरेक्ट है नहीं चाबहार पोर्ट तक अपना, हमें गवादार पोर्ट लेना चाहिए था पहले। एनीवे, बॉर्डर बॉडी कौन कौन से हैं जो ईरान को टच करते हैं, कैस्पियन सी है नॉर्थ में,
नीचे अरबियन सी है, यहीं पे वो गल्फ ऑफ पर्सिया है जो ईरान के नाम पे ही पड़ा है, पर्सियन गल्फ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये है ईरान का पोजीशन, ज्योग्राफिकल पोजीशन। बात जब हम न्यूक्लियर की कर रहे हैं तो एक छोटा सा चीज और याद कर लेते हैं कि सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में कौन है। मैंने पहले भी बोला था आज ही के दिन, कुंडाकुलम। कुंडाकुलम सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया का, 2000 मेगावाट का। तो आज के कुछ मेन आर्टिकल्स ये थे जो हमने डिस्कस किया है। बाकी आपको कहीं कुछ लगता है और तो आप पढ़ लें। मेरे ख्याल से आज के आर्टिकल में और कुछ खास नहीं था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे।